नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज शनिवार है, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शनिवार को लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए 3 लोग रिम्स पहुंचते हैं। ऐसे में आज उनकी बेटी सिंगापुर से रोहिणी आचार्य पहुंची, वहीं बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव भी आज रिम्स पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। लालू प्रसाद जी काफी अस्वस्थ हैं और उनकी पुत्री रोहिणी सिंगापुर से अस्वस्थ जब सूचना मिला तो भी आई है मिलने के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता, विधायक, नेता, अध्यक्ष सारे लोग यहाँ आए कि अस्वस्थ हो गए एकाएक। तो हम अनुरोध करेंगे न्यायालय से कि जो अस्वस्थ हैं ये देखते हुए उन पर पूरा कंसीडर करें, हमारा ये अनुरोध होगा। चूंकि काफ़ी उम्र हो गया है लालू प्रसाद जी का, और लालू प्रसाद जी को उम्र देखते हुए हो अस्वास्थ्य देखते हुए थोड़ा उन पर कंसीडर करना अनिवार्य है। और राजनीति की बात इसलिए नहीं हो पाई वहाँ पर पूरा, चूंकि डॉक्टर भी थे वहाँ पर तो सारा चीज चेकअप कर रहे थे वहीं बैठे बैठे, तो पॉलिटिकल कोई गपशप नहीं हुआ। पिछले कुछ महीने से रिम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जो जारी होता था पहले हर शनिवार को डॉक्टर साहब की तरफ से, कुछ दिन से जारी नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं चला जाता कि अभी तबीयत कैसी है। देखिए, तबीयत तो जो अभी तत्काल हम जो देखे वो काफी खराब है, और डॉक्टर किस परिस्थिति में अपना बयान नहीं दिए ये तो रिम्स के जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी हैं या डॉक्टर, वो बता सकते हैं, उनके बारे में तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम एक पॉलिटिकल आदमी हैं और जो टाइम निर्धारित है उसी के तहत मिलना जुलना है। तो विशेष तो हमारी सारे डॉक्टर्स या जो पदाधिकारी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, जो भी लोग हैं, तो उनसे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा तबीयत के बारे में, उनके किडनी है, शुगर लेवल भी बढ़ा रहता है, ये सब आपको क्या बताया? डॉक्टर हमको नहीं बताया, डॉक्टर लालू प्रसाद से बातचीत की है, और क्या दोनों आपस में बातचीत की है, क्योंकि चादर ओढ़ के लालू प्रसाद जी सो रहे हैं और थोड़ा सा मुंह निकाल के बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, काफी धीरे धीरे, तो लगा कि एक अच्छा लीडर जो लोहिया जी के टक्कर का लीडर हैं और इतना अस्वस्थ और धीरे धीरे बोलना हम पहली बार जीवन में देखे हैं। 1981 में लालू प्रसाद यादव के हम गए थे और 81 से वहीं पर उन्हीं के आशीर्वाद से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और 30 साल लगातार विधानसभा में रहे हैं, बिहार विधानसभा में, और उसमें मंत्री भी रहे उनके आशीर्वाद से, तो झारखंड में भी हम मिनिस्टर थे उसमें, बिहार और झारखंड एक था तब, तो दो बार हमको मौका मिला था, 3 बार मंत्री बने थे मगर 2 बार हमको मिला था इंडस्ट्री मिनिस्टर और एक्साइज मंत्री में, तो झारखंड बिहार उस समय एक था। तो ये है कि ऐसा हम कभी नहीं देखे थे, इसीलिए हमने न्यायालय से अनुरोध किया, हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि उन पर कंसीडर किया जाए। ठंड से यहाँ पे ठंड भी काफी पड़ता है, इसे पैर वो भी सूजन में, पैर में सूजन हम देखे नहीं चूंकि चादर से ढका हुआ है ना, लेटे हुए चादर से ढका हुआ है, तो उघार के हम कैसे देख लें। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है राजद क्या स्थिति? देखिए, झारखंड में इस बार जो चुनाव हो रहा है तो आज तक के अभी तक हम आपको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कई जगह जीतने जा रहा है और इस बार लगता है कि बीजेपी पुनः वापसी नहीं होगा। तो आपने सुन लिया सुरेंद्र यादव जो कि बेलागंज से राजद के विधायक है, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जताया है। साथ ही साथ वो जमानत की भी बात कर रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से उन्हें जल्द ही जमानत मिल जाएगी। आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।